बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुकर्रम सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है KFC स्टाइल चिकन, और ये बनाना बड़ा ही आसान है। ये आप अपने घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं, मज़ेदार क्रिस्पी। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले चिकन को हम कट लगा लेंगे डीप। अब इसमें दही शामिल करना है। लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन डेढ़ डेढ़ चम्मच है, ये शामिल किया। नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी अदरक और खुश्क धनिया पिसा हुआ, एक चम्मच जीरा जाएगा इसमें, वे भी पिसा हुआ, थोड़ी सी काली मिर्च, और टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़े से हम घर के तिल ये इस्तेमाल करेंगे, वाइट तिल। अब इसको हम अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। अभी मैदा छः चम्मच मैदा हमने शामिल किया, और ये तीन चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर, आधा चम्मच इसमें जाएगा खुश्क धनिया, आधा ही चम्मच जाएगा इसमें जीरा, नमक थोड़ा सा, लाल मिर्च, मामूली सी हल्दी, अभी साबुत सफेद जीरा थोड़ा सा। कढ़ाही में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। तो अभी चिकन हमारा मैरिनेट किए हुए 4 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। अब इसको हम इस पाउडर में शामिल करेंगे। और अभी अच्छे तरीके से इसको हम करेंगे मिक्स।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब साइड चेंज करेंगे। ये हल्की आंच पे जो है ना ये अंदर से पकेंगे, अगर ज्यादा आग लगाएंगे तो ये ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इस आंच जो है वो हल्की रखनी है। अभी इनको हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी ये ठंडे हो गए हैं, इनको निकाले हुए हमें हो गए हैं 15 से 20 मिनट। अब इनको हम अंडे में कोट करेंगे, उसके बाद एक दफ़ा दोबारा इस पाउडर में हम कोट करेंगे। बाद दोबारा फ्राई करेंगे उसी ऑयल में। अब साइड चेंज करेंगे। अभी आग हम हल्की कर देंगे, हल्की आंच पे इसको पकने देंगे ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से जो है ना पक जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत सी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगेवान, खुदा हाफिज़।